नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस में जारी अंतर्कलह अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को हुई बैठक में पार्टी के 23 नेताओं द्वारा नेतृत्व में बदलाव की मांग को लेकर लिखा गया पत्र छाया रहा। सोनिया गांधी को फिर से पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने आगे की रणनीति को लेकर बैठक की थी। मंगलवार को सिब्बल ने ऐसा ट्वीट किया है जिससे कि अटकलें लगनी शुरू हो गई है। वहीं पार्टी से निलंबित नेता संजय झा ने इसे अंत की शुरुआत बताया है। कपिल सिब्बल ने कहा, यह एक पद के बारे में नहीं है, यह मेरे देश के बारे में है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। दूसरी तरफ पार्टी से निलंबित नेता संजय झा ने ट्वीट कर लिखा, यह तो अंत की शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग को लेकर 23 नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लिखे पत्र की नींव 5 महीने पहले पड़ी, जब कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने डिनर का आयोजन किया था। गांधी को यह पत्र 7 अगस्त को भेजा गया था। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डिनर में मौजूद कुछ नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग वाले पत्र पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, सचिन पायलट, अभिषेक मनु सिंघवी और मणिशंकर अय्यर ने हस्ताक्षर नहीं किए। सिंघवी ने डिनर में अपनी मौजूदगी को स्वीकार किया। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक 2 ट्वीट के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से सोमवार को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इनमें उन्होंने अपने उन विचारों को व्यक्त किया है जिन पर वह हमेशा विश्वास करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उनकी सजा पर फैसला कर सकता है। उन्हें माफी मांगने के लिए 24 अगस्त तक का समय दिया गया था। 12 सितंबर में रूस में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काबजा 2020 में भाग लेने के लिए तीनों सेनाओं की कंटिंजेंट को भेजेगा। इस दल में 200 के करीब सैनिक शामिल होंगे। अगले महीने होने वाले इस अभ्यास में कई अन्य देशों के साथ चीन और पाकिस्तान की टुकड़ियों के भी भाग लेने की संभावना है। भारतीय सेना के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। भारत से हर बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपने आतंकी मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है। कुछ दिनों पहले ही रावलपिंडी में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बीच एक गोपनीय बैठक हुई है जिसमें भारत पर आतंकी हमले करने को लेकर प्लानिंग की गई है। इस बैठक की जानकारी मिलने के बाद से भारतीय खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर है। सुशांत सिंह राजपूत की रस्मीय मौत के मामले में CBI जांच का आज 5वां दिन है। इस मामले पर महत्वपूर्ण चर्चा के संबंध में वरिष्ठ CBI अधिकारियों के साथ SIT की बैठक के साथ सुशांत केस की सबसे अहम किरदार रिया चक्रवर्ती को CBI जांच में शामिल होने के लिए आज समन कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार भाजपा 25 अगस्त से चुनाव संपर्क अभियान शुरू कर रही है। अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी के व्यापारी नेता राकेश जैन के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो क्लिप में राकेश जैन की ओर से वाराणसी के DM की शिकायत की गई है। ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद वाराणसी प्रशासन ने राकेश जैन को नोटिस जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। इस दौरान राकेश जैन ने CM योगी से प्राइवेट अस्पतालों की कोरोना इलाज के नाम पर लूट की शिकायत की, साथ ही कहा कि DM शिकायत का जवाब भी नहीं देते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में सियासी जमीन तलाशती रही भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले रहे थे। लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी भाजपा अब मिशन 2021 की तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर चल रही चर्चा के बीच भाजपा के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने संकेत दिए हैं कि पार्टी CM कैंडिडेट घोषित किए बगैर चुनावी रण में उतरेगी। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के हालिया तुर्की दौरे को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निशाना साधा है। RSS के मुखपत्र पांजने में आमिर खान को लेकर एक आर्टिकल लिखा है जिसमें RSS ने कहा है कि आमिर खान ने तुर्की जाकर भारतवासियों की भावनाओं को ठेंगा दिखाया है। आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की गए थे। पांजने में RSS ने आगे कहा है कि अगर आमिर खुद को इतना ही सेक्युलर मानते हैं तो उस तुर्की जाकर शूटिंग करने की क्यों सोच रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पार्टी के 11 विधायकों के अनशन पर बैठने की खबरों पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि कांग्रेस के 11 विधायकों ने अनशन पर बैठने की ठानी है। उनका कहना है कि विकास निधि का समान वितरण नहीं हुआ और निधि वितरण में पक्षपात किया गया है। उनका ऐसा भी कहना है कि सरकार में कांग्रेस की उपेक्षा हो रही है और कांग्रेस अकेली पड़ गई है। इस संदर्भ में ये 11 लोग दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से शिकायत करने वाले हैं। महाराष्ट्र के विरोधी दल को इन घटनाओं के कारण आनंद की लहर आ रही होगी, लेकिन ये उनका भ्रम है।
दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाला 4 में से एक मरीज भारत से है। पिछले हफ्ते दुनिया में आए नए कोरोना वायरस के कुल मामलों में भारत का 26.2% का योगदान है। ऐसा पहली बार है कि भारत की ओर से विश्व के कुल कोरोना मामलों में इतना योगदान रहा है। सरकार अनलॉक 4 के तहत 1 सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्य अपने अपने यहां महामारी की स्थिति के हिसाब से लेंगे। इसके अलावा अभी निकट भविष्य में स्कूल कॉलेजों के खुलने की कोई संभावना नहीं है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सिनेमा घरों को भी फिलहाल नहीं खोला जाएगा। सरकार इस हफ्ते के अंत तक अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी कर सकती है। अनलॉक 4 में अब तक बंद रखे गए बार को भी खोलने की तैयारी है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 5 मंजिला आवासीय इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि इमारत 10 साल पुरानी थी और मलबे में अभी भी करीब 18 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि यह इमारत महार तहसील के काजलपुरा में बनी थी। घटनास्थल पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित संभावित कोविड-19 टीके का दूसरे चरण का मानव क्लिनिकल परीक्षण मंगलवार को शुरू करेगा। कोविशील्ड की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए पुणे स्थित भारतीय विद्यापीठ चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में स्वस्थ वयस्क भारतीयों पर नियंत्रित अध्ययन किया जाएगा। गौरतलब है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के लिए विकसित संभावित कोविड-19 टीके के उत्पादन में SII साझेदारी कर रहा है। हाईकोर्ट ने गूगल पे पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर गूगल इंडिया RBI और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गूगल पे प्रयोगकर्ताओं का संवेदनशील डेटा संग्रहित करके नियमों का उल्लंघन कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। यह याचिका वकील अभिषेक शर्मा की ओर से दायर की गई है। कानपुर पुलिस लाइन में बैरक की छत गिर गई, जिसमें कई सिपाही मलबे में दब गए। मलबे से सिपाहियों को निकाला गया और आनन फानन इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान एक सिपाही ने दम तोड़ दिया, वहीं 3 सिपाहियों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना पाते ही मौके पर कई अधिकारियों और कई थानों की पुलिस वहां पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई है। घायलों को रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले कई दिनों से बरसात में छत से पानी टपकने की शिकायत को अनदेखा करना भारी पड़ गया। सोमवार रात पुलिस लाइन में सिपाही खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी बैरक की छत ढह गई। सर्जिकल सीरिंज सहित फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग आदि में प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक उपकरणों के संक्रमित हो जाने की वजह से उन्हें बार बार की जाने वाली स्टेरिलाइजिंग से अब छुटकारा मिल सकेगा। GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 11 वर्षों के अथक प्रयास से एक ऐसा प्लास्टिक बनाने में सफलता हासिल की है जो कि जीवाणुरोधी होगा। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से बीते एक महीने पहले तक दिल्ली टॉप संक्रमित राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन अब हालात सुधर गए हैं और राजधानी शीर्ष 5 राज्यों की सूची से बाहर होकर 6 स्थान पर खिसक गई है। यहां अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे कम नए मरीज बढ़े हैं। राजधानी में मार्च के पहले सप्ताह में संक्रमण का पहला मरीज मिला था। 15 अप्रैल तक दिल्ली टॉप 3 संक्रमित राज्यों में शामिल हो गई थी। पिछले महीने तक यही स्थिति रही। अगस्त के पहले सप्ताह से ही इसमें सुधार होने लगा। इसके बाद से यहाँ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। जितने मरीज संक्रमित मिलते थे करीब उतने ठीक भी हो रहे थे। इससे नए मामलों में कमी आई। इस सप्ताह देश भर में बारिश और बाढ़ की भयावहता देखी गई। मध्य प्रदेश में सीजन की पहली मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं उत्तर भारत सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में भी खराब मौसम का असर देखने को मिला। अगले 3 दिन यानी 25 से 27 अगस्त तक कुछ राज्यों में भारी से भारी बारिश होने की आशंका है। राजधानी दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर महेश पलावत का कहना है कि दिल्ली NCR सहित अन्य कुछ प्रदेशों में अगले 2 दिन बूंदाबांदी के आसार है। 26 अगस्त से तेज बारिश की होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स MP नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620।